तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई कैसे हो तुम सब? भाई आज की वीडियो जो है बहुत अचंभित है, तो वीडियो शुरू करते हैं मिला के बकचोदी। चीन टपाक डम डम ले भाई, भाई शीशा तोड़ दिया। अगर चुनाव ना होते तो ये इसकी गांड तोड़ देता। सेल्फी के चक्कर में फोटो ऐसा खिंचवाया कि शीशा भी कलम उन दिखा गया। भाई ये नेता है और वोट मांगने के लिए ही शीशा टूट गया। अब ये कुछ कह भी तो नहीं सकता, अगर कुछ कहेगा तो पब्लिक इसे वोट नहीं देगी। खैर मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये कुत्ते भौंक रहे हैं रात के 12 बजे के टाइम। आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। भाई मुझे इसे देख के सिंचेन की अम्मी याद आ गई। ये क्या सीन है, इनने अचानक कौन सा डांस करा है? इसे कहीं प्रेशर तो नहीं लग रहा? फिर इसे कुछ भी दिखाए दिखाने देते हैं। हम आगे चलते हैं बिना किसी देरी को और अपना वक्त बचाते हुए। लो भाई, भाई इस बंदे ने अपनी होने वाली बहू से कहा था कि तू शादी के लिए हाँ कह दे, सारी दुनिया तेरे कदमों में रख दूंगा। और बंदा बात का एकदम पक्का निकला, सच्चा निकला। मैं भी ऐसा ही करूंगा, एक बेड ले लूंगा और उस पर एक चादर बिछा दूंगा दुनिया भर की, जिसपे सारे स्टेट वगैरह होंगे, है ना? अब सारी दुनिया रोजाना इन दोनों के घुटनों के नीचे आएगी। हम फ्री फंड में झंडोड़े हैं, हमारी तबाही है। क्यों? क्योंकि ये सारी दुनिया तो उनके घुटनों में है। भाई अगर ये बंदा रोड पे मांगने निकल गया तो भिखारियों की तो छुट्टी हो जाएगी। इसकी एक्टिंग तो देखो, बंदे ने आइसक्रीम खा ली। वाह भाई साहब, की आइसक्रीम खाने की निंजा टेक्निक है, गजब। मैं आगे चलता हूँ बिना इसे कुछ कहते हुए। भाई ये कौन सा बंदा है, कहाँ से आया? देखो दूध में मिलावट कर रहा है, वो भी जिंदा। लेकिन ये ईमानदार भी लगता है मुझे। ईमानदारी ऐसे है क्योंकि मिला इसमें थैली ही रहा है, पानी नहीं। इसके लिए 2 लाइन कमेंट में जरूर लिख के जाना, ये दूध असल में क्या है, दूध है या कुछ और? मैं नहीं कहूंगा कुछ, कभी कभार कह देता हूँ, बूंद हो जाता है तुम्हारे भाई का, लेकिन हर दफे मैं कुछ नहीं कह सकता। आप भी कमेंट में कुछ कहो। यार भाई मुझे मारो, ये सीन मैंने क्यों देखा है? ये सीन देखने के बाद ग्रेविटी भी कोने में बैठ के रोड़ी होगी। भाई इंडियन टीवी सीरियल में और साउथ मूवी में कुछ भी हो सकता है, गांड फाड़ दी जाती है ग्रेविटी की भी जब ये दोनों की सीरियल शुरू होते हैं। साउथ मूवी ले लो या अपनी इंडियन के टीवी सीरियल, कुछ भी दिखा देते हैं, पब्लिक तो चटक चूतिया है ना। भाई ऐसी वाइफ मैं भी डिजर्व करता हूँ, बंदी ने हाथ पे गोली खा ली ऐसे। मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द तो बनने लेकिन मेरे अंदर है, मैं कुछ कह नहीं सकता। उल्टे सीधे शब्द बनने कहूंगा तो विवाद होगा फिर। इसके सामने खड़ा है, यहां बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है बस। भाई सारे दोस्त पैसे मिला के रसियन लिया है। बाबू भैया तुम क्या जान रहे हो 1 रुपए की कीमत? ये कितने बंदे मेरे हिसाब से 98-99 होंगे। 7 नंबर पर अपना नंबर आएगा जब तक तो गेम ओवर भी हो जाएगा। अपने साथ ही ऐसा तबला क्यों होता है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता।
अब क्या करोगी? बाय बाय, टाटा, गुड बाय। बिना कैंसर वाली हम लोग नहीं खाते हैं, जिससे कैंसर होगा वही खाएंगे। भाई एक होता है हेलीकॉप्टर और एक होता है स्कूटी कॉप्टर, इसे मैं कौन सा नाम दूं? जाम के ऊपर से अगली स्कूटी ले गई, हम चूतिया हैं, मैं भी और आप भी, और ये सीरियल बनाने वाले महा चूतिया हैं। मेरी नज़रों में कुछ भी दिखा देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। ये लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं, मुझे नहीं पता। कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। आगे चलते हैं, इसके बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, इनने मूड खराब कर दिया। ये कोई खाने की चीज है? नहीं। किस लिए इस्तेमाल होती है? प्रोटेक्शन। क्या रंग है? वैसे अलग अलग रंग के होते हैं, मगर अभी लाल है भाई, लाल है। फक मी चोट। एक और हिंट देता हूँ, फटने से बचाता है। गोल है भाई। ये हिंट तो कमाल हिंट होगी, पहनने की चीज है। भाई ये बंदा कहना क्या चाहता है? लाल है, प्रोटेक्शन है और तुम्हारा सपोर्टर है। भाई सीधा सीधा से कौन कह दे, और कह दे पहन लो, चढ़ाई लगवा ले अपने ऊपर। हाँ हाँ, हंसने में सब काली, हंसने वाली क्या बात, कुछ भी दिखा देते हैं, पागल बना देते हैं, जनता का भी, हमारा भी और अपना भी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भाई ये वीडियो तुम्हारे मतलब क्या गई है? यदि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो या टेंशन या डिप्रेशन में रहते हो तो ये एक्सरसाइज करो। अगर इन भाई साहब का एक्सरसाइज करने का यह वाला तरीका है और कोई बंदा आए उनके टिका दे तो ये दम वैसे भी तोड़ देंगे। और दूसरा, अगर ज्यादा देर तक लेटे रहिए तो भी इनका काम पे तो सोना तय है। कहाँ से आते हैं ये लोग? टेंशन तो सीधे बंदे को भी आ जाती है, कैसे भी करके आ ही जाती है, जिसके पीछे उसे लगना होता है। ये नए नए नमूने, नए नए पैतरे बताते हैं और मैं इनकी फिल्म बनाता रहूंगा। साहब आपको शर्म नहीं आती? दिख रहा है मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ तो मैंने किया है क्या? अरे भाई भाई, मैडम को बैठने के लिए सीट नहीं दी, मैडम जी की बड़ी घनी बेइज्जती कर दी। ये बंदा जरूर जमुना पाल का ही होगा। बाकी इन्हें सीट दी नहीं दी कमेंट में जरूर बताना, मेरे हिसाब से नहीं दी जो मैंने देखा। और बंदे ने डायलॉग भी गजब ही मारा है, मैं नहीं बोलूँगा नहीं तो विवाद हो जाएगा। वीडियो करता हूँ समाप्त, लाइक शेयर घंटा जरूर दबाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए नमूनों के साथ।